Good morning, students. Today in MSc, we are going to fill in the blanks of chapter number 5. First one, dash is important in everyone's life. Har ek ki life mein kya zaruri hai? What is that? Happiness. So you will mark it here 1 and you will write here happiness. 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 Second one, we should be thankful to dash for all the things he has given us. हम लोग को किसको थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने हमें सभी कुछ दिया है. अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर्स, isn't it friends? कौन है, किसको थैंक करना चाहिए? God, yes. G-O-D, God को थैंक्स करना चाहिए, डेली थैंक्स करना चाहिए हमें. थर्ड नंबर, All of us have some dash quality. हम सभी के पास क्या होता है? Special quality. Yes. Third number. Special. S-P-E-C-I-A-L. Special. हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ special qualities होते हैं. Fourth number. We should never be dash of others. हम लोगों को दूसरों से क्या नहीं करना चाहिए? Jealous. Yes, we should not feel jealous of others. So, you will mark it here. Fourth number. And you will fill it here. Jealous. J-E-A-L-O-U-S. Jealous. Fifth number. Dash was not content with the one bone he had. कौन content नहीं था? कौन satisfied नहीं था? उसके पास क्या था? एक ही bone से. कौन satisfied नहीं था? Yes, Bholu. So we will write here fifth number. You will fill it here B-H-O-L-U. Bholu content nahi tha. Now we will move on to the true and false. Agar yahan pe statement wrong hai, then we will write F. Agar statement true hai, yani sahi hai, to then we will write the T. First one. You want to be happy all the time. Aap hamesha khush rehna chahte ho, isn't it? It's true or false? Yes, हम लोग सभी लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं. So you will fill it here T. Second number, you are very good in singing. क्या आप singing में good हो, यानी अच्छे से sing करते हो? आपकी singing अच्छी है? If it is true, then you will write here true. If you are not good in singing, then you will write it down here false. Okay? Third number, we should all be proud of who we are. हम सभी लोग जो भी हैं, हम लोगों को अपने ऊपर proud feel करना चाहिए, isn't it? हम लोगों को दूसरों को देख करके jealous feel नहीं करना चाहिए. So you will fill it here true. Fourth number, if we like the skill of some other person, we should learn it. अगर हम लोगों को दूसरे पर्सन्स की अगर कुछ स्किल्स यानी क्वालिटीज अच्छी लगती है, तो हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए? उसे लर्न कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए उनसे, isn't it? लेकिन जेलस फील नहीं करना चाहिए. सो यू विल फील इट टी ट्रू. फिफ्थ नंबर, भोलू डिड नॉट केयर फॉर हिज मास्टर. क्या भोलू केयर नहीं करता था अपने मास्टर के लिए? केयर करता था, यस. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एफ. Now we will do the difficult words. You have to write this in your class for copy of chapter number 5. First one, C-O-N-T-E-N-T, content. Content ka matlab kya hota hai? A state of satisfaction or satisfy keh sakte hum log. Yani hum logo ko jo kuch bhi mila hua hai ya mila hai, hum logo ko satisfied rehna chahiye. किसी दूसरों को देख करके जेलस फील नहीं करना चाहिए. जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए. सेकेंड वन, क्यूरियस. C-U-R-I-O-U-S. क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू नो, यानी किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखना. थर्ड नंबर, डाइव्ड. D-I-V-E-D. डाइव्ड. डाइव्ड का मतलब होता है अगर हम लोग पानी में छलांग मारते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं?
प्लंज हेड फर्स्ट इनटू वाटर विथ वन आर्म्स रेज्ड ओवर वन्स हेड। सबसे पहले हम लोग अपने हाथ को ये करते हैं, इज़न्ट इट, ऊपर उठा करके हाथ में, इस देखा होगा ना पानी में जब जंप करते हैं तैरने के लिए, यस, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइव। फोर्थ वन, LIMPING, लिम्पिंग। लिम्पिंग का मतलब होता है वॉकिंग विथ डिफिकल्टी। आपने देखा था ना कि भोलू पानी में जब कूद गया उसने देखा वो कंटेंट नहीं था अपने एक बोन के साथ में, वो जैसे जंप किया पानी में उसे क्या हो गई उसके एक लेग को, यस इट वॉज ब्रोकन, तो उसको क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी ना चलने में, यस, तो वॉकिंग विथ डिफिकल्टी उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्पिंग। फिफ्थ नंबर, प्रोबेबली, PROBABLY, प्रोबेबली यानी ऑलमोस्ट सर्टेनली, यानी हम लोग कह सकते हैं एक सिंपल वर्ड्स में, शी वुड प्रोबेबली नेवर सी हिम अगेन, यानी कुछ भी ट्रू हो या सही हो होने को है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबली। जिस तरीके से मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, शी वुड प्रोबेबली नेवर सी हिम अगेन, यानी उसे पता था कि वो अब दोबारा उसे नहीं देख पाएगी। सिक्स नंबर, प्राउड, PROUD, प्राउड, फीलिंग डीप प्लेजर और सेटिस्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स या क्वालिटीज या पोजिशंस या फिर सम वन विथ हुम वन इज क्लोजली एसोसिएटेड, यानी बहुत अच्छा फील करना खुद के बारे में या सेटिस्फाइड होना अपने अचीवमेंट से या फिर क्वालिटीज से या पोजिशंस से, दैट इज नोन एज टू बी प्राउड। सेवेंथ नंबर, SKILL, स्किल। स्किल क्या होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल या फिर एक्सपर्टीज होना। हम लोगों को अगर कोई भी स्किल या क्वालिटीज कुछ अच्छे लगते हैं दूसरों में तो उसे क्या कर लेना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि जेलस फील करना चाहिए दूसरों से उसकी क्वालिटीज या स्किल्स को देख के, इजंट इट। एथ नंबर, डेवलप, DEVELOP, डेवलप। अगर हम लोगों को दूसरे के कुछ क्वालिटीज अच्छे लगे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, हम लोगों को डेवलप करना चाहिए या फिर अपने अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उसको और भी अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, बेटर बनाना चाहिए। नाइन्थ नंबर, नाइन्थ में क्या है, स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। हम लोगों को स्ट्रेंजर्स किसे कहेंगे, जिस पर्सन को हम लोग या फिर जिन्हें हम नहीं जानते हैं, कभी भी ट्रेन में या फिर कहीं पे भी आप स्ट्रेंजर से क्या नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, या फिर अगर वो लोग कुछ देते हैं स्ट्रेंजर्स आप लोगों को तो उससे खाना भी नहीं चाहिए, ईटेबल थिंग्स अगर आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग देन डोंट ईट इट। टेंथ नंबर, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, अ स्मॉल नैरो रिवर, बहता हुआ आपको दिखता होगा छोटा सा रिवर टाइप का जिसमें कि वाटर क्या होता है, फ्लो करता है। इलेवेंथ नंबर, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी, इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर समथिंग स्पेशली वेल्थ पावर ऑफ फूड, यानी हम लोगों को एक डिजायर होता है कुछ पाने का या फिर हम लोग क्या होता है, लालची हो जाते हैं वेल्थ यानी बहुत सारे धन को पाने के लिए या फिर पार या फिर फूड को, यानी अगर कभी घर में समोसे या फिर कुछ आपको जो पसंद है अगर आता है तो क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा लालची हो जाते हैं कि अगर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, एक एक मिला है सबको खाने को, तो हम लोग लालची हो जाते हैं कि काश और एक मिल जाता, इजंट इट, तो ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ट्वेल्थ नंबर, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, द रिटर्न ऑफ लाइट और साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस। अगर रिटर्न कर रहे लाइट या साउंड वेव्स किसी भी सरफेस से यानी किसी प्लेस से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। जैसे कि भोलू ने क्या देखा था वाटर में, अपना रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वो कंटेंट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था अपने एक बोन के साथ में, जिसकी वजह से उसको क्या हुआ, उसके जो लेग्स थे वो ब्रोक हो गए, इजंट इट, द लेग वाज ब्रोकन। इसीलिए हमेशा हम लोगों के पास जो कुछ भी है
उससे क्या रहना चाहिए, हम लोग को कंटेंट रहना, खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, यू विल राइट दिस डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर क्लास ऑफ कॉपी एंड यू विल फिल द ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बुक एंड लर्न इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.